अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी आलू अंडों का सालन। उसके लिए मैं यहाँ पे आधा किलो आलू यूज़ कर रही हूँ। इन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 10 अदद अंडे, 1 कप कुकिंग ऑयल, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई हल्दी, 1 स्मॉल साइज़ का टमाटर और 6 अदद हरी मिर्च। सबसे पहले मैं देखती हूँ मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी। और इसे अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। प्याज को मैं अच्छे से भून रही हूँ। जब तक प्याज और मसाला तैयार होता है तब तक मैं अंडे पकने के लिए रख दूंगी। प्याज को मैंने लाइट ब्राउन कलर कर लिया है। अब मैं इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्च, पिसी हल्दी, नमक, सुरख मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब मैं इसे तेज़ आंच पे अच्छे से भून लूँगी। देखिए मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी और इसे तेज़ आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। अभी मसाला ठंडा हो गया है। मसाला मैं इसका अलग कर लूँगी और अलग निकाल लूँगी। इसके मसाले को मैं ग्राइंड कर लूँगी। पहले अंदर से मैंने मसाला निकाल के ग्राइंड कर लिया था। अब उसी देखी में हम जो मसाला मैंने ग्राइंड किया वो डाल देंगे। ग्राइंडर में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर ऐड किया था। साथ ही मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी और इसका पानी खुश्क होने तक हम इसे भून लेंगे। पहले 5 मिनट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था। अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी जो मैंने इसके अंदर से निकाला था। इसे अच्छे से भून लूंगी मैं। अच्छे से भून गया थोड़ी देर के लिए। देखें इसका ऑयल अलग हो गया। अब मैं इसके अंदर जितनी हमने ग्रेवी रखनी है उतना पानी ऐड, मैं इसके अंदर आधा जग पानी ऐड करूँगी। आलू थोड़े से कच्चे थे अभी। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा के पकने के लिए रख दूँगी। तब तक आलू भी गल जाएंगे। पूरे 15 मिनट बाद सालन बन के तैयार है। मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी। आलू भी गल गए हैं और इसके ऊपर कसूरी सूखी मेथी ऐड करके इसका ढक्कन लगा के रख दूंगी। आलू अंडों का मज़ेदार सालन बन के तैयार है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।